वो देखो वहाँ तोता है। वाओ, रुको चलो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? दादाजी हम तोता पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर वो उड़ जाता है। देखो वो अभी भी पेड़ पर है दादाजी, आप हमारे लिए उसे पकड़ लाइए ना प्लीज। इससे मुझे एक कहानी याद आ गई, तुम दोनों सुनोगे? ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। राज्य बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक दिन रानी बीमार पड़ गई और किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि उन्हें हुआ क्या है। सब कुछ आजमाने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को दूर दूर भेजा ऐसे आदमी को खोजने के लिए जो रानी का इलाज कर सके। आखिरकार वो एक बूढ़े आदमी को राजा के पास ले आए। महाराज आपकी जय हो, मैं आपके राज्य में सात समंदर पार से आया हूँ क्योंकि मैंने सुना कि रानी बीमार है। आपका स्वागत है श्रीमान, आप रानी को देखना चाहेंगे? मैं पहले ही सब कुछ जानता हूँ, रानी को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका सिर्फ एक ही खास इलाज है महाराज। और वो क्या है? आपके जंगल में एक लाल पंखों वाला तोता है जो 100 साल पुराने पीपल के पेड़ पर रहता है। उसका एक पंख लाकर रानी के तकिए के नीचे एक हफ्ते तक रख दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वो लाल पंख मुझे मिलेगा कैसे? तो ठीक है, मैं अपने सैनिकों को भेजता हूँ ढूंढने के लिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, हमें तोता मिल गया है, लेकिन जब हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो उड़ जाता था। हम पूरा दिन कोशिश करते रहे। तुम काम को बीच में नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें कोशिश करते रहनी पड़ेगी। जाओ फिर से ढूंढो। क्या तुम्हें पंख मिला? हमें माफ कर दीजिए महाराज, वो तोता एक जगह पर बैठता ही नहीं है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वो उड़ जाता है, उसके आगे हमारे जाल भी कामयाब नहीं हो रहे। हो सकता है उस बूढ़े के पास कोई और इलाज हो। बूढ़े आदमी को बुलाओ। सिर्फ यही इलाज है मेरे पास, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं समझ गया, आपके सैनिक तोता नहीं पकड़ पा रहे, मैं कोशिश करता हूँ और इस बार मैं उनके साथ जाऊंगा। हाँ, वो रहा, चलो उसे पकड़ लेते हैं। आओ इधर आओ तोते, सैनिकों अपने जाल फेंको। रुक जाओ, क्या इस तरह से एक सुंदर पक्षी को पकड़ा जाता है? ओ प्यारे तोते, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तुम कितने सुंदर पक्षी हो और तुम्हारे पास इलाज करने की ताकत है। हमारी रानी बहुत बीमार है, क्या तुम अपना एक पंख रानी की जान बचाने के लिए दे सकते हो? हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, कृपा करके हमारी मदद करो। शुक्रिया शुक्रिया प्यारे तोते, शुक्रिया। ये रहा वो पंख महाराज, और हमारे लिए एक सीख भी है, प्यार मोहब्बत वहाँ काम करती है जहाँ हिंसा कभी काम नहीं करती। बच्चों ये कहानी मुझे तब याद आई जब तुमने मुझे तोता पकड़ने के लिए कहा, क्या ये अच्छी कहानी नहीं थी? इसका मतलब है दादाजी, अगर आप तोते को प्यार से बुलाओगे तो वो आपके पास आ जाएगा। क्या पता, हो सकता है। अब चलो कोशिश करके देखें। हाय, मैं हूँ शाइनी, अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।